तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम YouTube में वीडियोस अपलोड कर देते हैं तो देन अपलोडिंग के बाद हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस में हमने कुछ ऐसा बोल दिया है जो हमारे ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, और जिसके कारण हमारे जो ऑडियंस है वो उस चंद सेकंड के पार्ट को जहाँ भी हमने गलत बोला है उसको देखने के बाद वे लोग उस वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम होने लगता है और व्यूज़ भी डाउन होने लगते हैं। तो ऐसे में उस चंद सेकंड के पार्ट की वजह से जिसमें भी आपने गलत बोला है उसकी वजह से आपका जो वीडियो है वो बर्बाद होने लगता है, आपकी मेहनत उसके पीछे में बर्बाद हो जाती है। बट यहाँ पर अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा तरीका है जिसको फॉलो करके आप यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोडिंग के बाद उसमें से किसी भी पार्ट को, किसी भी चंद सेकेंड के पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। और ऐसा कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है ytstudio.com। जी हाँ, यहाँ पर आप youtubestudio.com टाइप करके सर्च कर लीजिए, एंड इसके बाद आपके सामने में एक वेबसाइट निकल करके आएगी। सबसे ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक youtubestudio.com करके एक वेबसाइट है। सो आप सिंपली यहाँ पर इस youtubestudio.com के इस वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब स्टूडियो का ये जो वेबसाइट है ये अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर इस क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए, एंड इसके बाद youtubestudio.com टाइप करके सर्च कर लीजिए, एंड इसके बाद आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, एंड इसके बाद आपके सामने में ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। सो इन केस अगर आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है या फिर जिस भी चैनल से आप लॉगिन करना चाहते हो वो लॉगिन नहीं है, तो ऐसे में आप सिंपली यहाँ पर सबसे ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर में ये जो ऑप्शन देख रहे हैं अकाउंट का, इस पर क्लिक करके आप सबसे पहले आपका जो भी अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि मेरे केस में लॉगिन है तो मुझे यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, एंड लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। सबसे ऊपर में आपका ये जो लोगो है आपके चैनल का लोगो होगा, एंड उसके नीचे में एक ऑप्शन है, उसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है कंटेंट का, बिल्कुल सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पर इस कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, एंड इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपने जितनी भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारी वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। सो आप अब आपको यहाँ पर करना ही है कि यहाँ पर आपको जिस भी वीडियोस को ट्रिम करना है आप सिंपली यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मेरे केस में ये वीडियो है मैं यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। सो इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो और वीडियो है इस पर एडिट का ये जो ऑप्शन है ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिटिंग के लिए मुझे एक ऑप्शन आ चुका है। सो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ ऑप्शन देख सकते हैं, एडिट का एक ऑप्शन है, उसी के जस्ट नीचे में एनालिटिक्स का एक ऑप्शन है, उसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है एडिटर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिटर टाइप का एक ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर इस एडिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक न्यू पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ट्रिम का है, ब्लर का है, ऑडियो का है, एंड स्क्रीन है, इन्फो कार्ड्स का है। सो सिंपली यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को आप इस सेटिंग्स के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर वीडियो को ट्रिम करना है, उसको कट करना है। तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो है ट्रिम एंड कट का। सो आप सिंपली यहाँ पर ये जो ट्रिम एंड कट का ऑप्शन आप इस पर क्लिक कर दीजिए, एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो गया। सो सिंपली आपका ये जो वीडियो है यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। सो आप सिंपली यहाँ पर अपना जो वीडियो है उसको आप प्ले करके यहाँ पर आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका कौन सा वीडियो है, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट को डिलीट करना है। जी हाँ, आपको इस वीडियो में आपका जो भी कट लगेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, आप किस पॉइंट से आपको कट लगाना है उसके सेकंड को नोट कीजिए, उसका मिनट एंड सेकंड, एंड उसको एंड पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है कट के लिए एंड कहाँ से आपको एंड करना है उसको आप नोट कर लीजिए, एंड इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है न्यू कट का। सो आप सिंपली यहाँ पर ये जो न्यू कट का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए, एंड इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कट वन में यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नोट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर वीडियो को अच्छे से प्ले कर लिया और मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे 17.15 सेकेंड से स्टार्टिंग होकर मेरा जो है वो 22 सेकेंड से 15 के आसपास मुझे यहाँ पर इस वीडियो को कट करना है। सो मैंने यहाँ पर 17 सेकेंड डाल दिया, उसके आगे में 15 था मैंने वो भी ऐड कर दिया है, एंड साथ ही साथ इसका जो एंड पॉइंट है वो 22 सेकेंड से लेकर के एंड इसके बाद कुछ 15 के आसपास था, तो मैंने वहाँ पर इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर एंटर कर दिया है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट
एंड इसका एंडिंग पॉइंट, यानी कि इन दोनों इस वीडियो के बीच में ये दोनों पॉइंट जो है ये गायब हो जाएगा। 17 सेकेंड से लेकर के 22 सेकेंड के जो बीच का वीडियो है ये कम्प्लीट कट हो जाएगा। सो अब आप यहां पर देख सकते हैं इसी के जस्ट बगल में, सेकंड के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है, राइट टैप का आइकन है। सो आप सिंपली यहां पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं नीचे में वीडियो का जो टाइमलाइन है उसमें आप यहां पर देख सकते हैं एक कट लग चुका है। आपने जितने भी सेकेंड का वीडियो आपको कट करना है उस पर एक कट लग चुका है। और इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है प्रीव्यू का। सो आप सिंपली यहां पर इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार वीडियो को अच्छे से प्ले करके देख लीजिए कि आपने जो भी कट वगैरह लगाया वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। एंड इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है सेव का, आपका जो भी लोगो है आपका यूट्यूब चैनल का उसे भी जस्ट नीचे में। सो आप सिंपली यहां पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ मैसेज दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। एंड इसके बाद ये जो ऑप्शन है सेव का, आप सिंपली यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए एंड ऐसा करने के तुरंत बाद आपका ये जो वीडियो है कुछ देर बाद आपका जो भी चेंज आपने किया है इसमें जो भी वीडियो जिस भी पार्ट को डिलीट किया है कुछ देर बाद आपका ये वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा इस वीडियो से वो पार्ट। एंड कुछ देर बाद आप अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करके देख सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं आपने जो भी जिस भी पार्ट को डिलीट किया था वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करते रहता हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जरूर होगी।